हेलो एवरीवन। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों पहना है। बस COVID-19 से बचने के लिए घर में पहना है, ये पता करने के लिए कि क्या ज्यादा टाइम मास्क यूज करने से हाइपोक्सिया होता है। वेट 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 वेट, व्हाट इज हाइपोक्सिया? तो पहले समझते हैं कि क्या है ये हाइपोक्सिया। अब ये तो हमें मालूम है दैट हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। क्यों? Because each and every cell of our body uses oxygen for production of energy. And energy will be used by our body to perform various activities. अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए टिश्यू में, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया इज द कंडीशन इन विच देर इज डेफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। के ऑक्सीजन की कमी किस वजह से हो सकती है? तो इसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से फ्यू रीजन हम डिस्कस करेंगे। पहला रीजन, वी आर ब्रीदिंग इन एयर व्हिच हैज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हम ऐसे एयर में ब्रीद कर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। एग्जाम्पल, हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जब हम हायर हाइट्स पे जाते हैं, माउंटेन्स क्लाइंब कर, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है एटमोसफेयर में। एंड इसके वजह से अगर ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में कम है, तो जब हम ब्रीथ करें तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो हम ब्रीथ करें दैट इज ऑल्सो लेस, और टिश्यू को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो भी कम। दूसरा रीजन हो सकता है, इफ वी आर इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम, हम ऐसे रूम में जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, एयर पास नहीं हो सकता है, ऐसे रूम में जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं ऑक्सीजन, ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रूम में बढ़ गया और लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। थर्ड, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन लंग्स, लंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस एफिशिएंटली नहीं हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा, तो ये कुछ रीजन। ऑक्सीजन की कमी हो टिश्यू में तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वहां के जो सेल्स है मरने लग जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो ब्रेन, तो ब्रेन में जो न्यूरोन है, ब्रेन के सेल्स को हम न्यूरोन बोलते हैं, वो जो न्यूरोन है, न्यूरॉन्स विल स्टार्ट डाइंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब इससे क्या होना है, इससे हमारे बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाएगा। ब्रेन इज कंट्रोलिंग दी अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, ठीक है। अब के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में इंक्लूड होता है डिजीनेस, फटीग हो सकता है, फिर बाद में ब्रेथ फास्ट, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। ब्रीदिंग रेट फास्ट है, मुझे सांस फूलने लग जाती है, सांस चढ़ने लग जाती है, वैसा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। सो हैज टू टेक इन मोर ऑक्सीजन, ठीक है, ये बॉडी का तरीका है ऑक्सीजन ज्यादा लेने का। देन हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ताकि ज्यादा ज्यादा ब्लड सप्लाई हो सके ब्रेन में, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज कर सके। फिर कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम है हाइपोक्सिया। अब हम वही क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ज्यादा टाइम तक मास्क यूज करने से हाइपोक्सिया होता है? आंसर है नो। जो कॉमन मास्क हम यूज करते हैं, क्लॉथ से बने हुए या सर्जिकल मास्क की हम बात करें, ये मास्क के पोर्स इतने बड़े होते हैं कि एयर आसानी से पास हो जाए। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मास्क विल नॉट लीड टू हाइपोक्सिया, इट विल नॉट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हाँ, ज्यादा टाइम यूज करने से थोड़ा हमें अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज बेटर देन सफरिंग फ्रॉम COVID-19। सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम COVID-19, इट इज एसेंशियल टू यूज मास्क। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज गिव थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।